हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42, जो कि 10 अक्टूबर 2020 की है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको लेटर का फॉर्मेट बताऊँगा और प्रूफ भी करूँगा कि ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आंसर्स मैं इस वीडियो के आपको एंड में पूरा दे दूँगा, तो इसको आप तो अगर बीच में स्किप कर देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिस कर जाएंगे और आपको ये फिर डिफ़िकल्टी दे सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें है, महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में उनकी अहिंसा की जो पॉलिसी थी उसके लिए जाना जाता था। आपने सुना भी होगा, अहिंसा का पुजारी उन्हें भी कहा जाता था। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड इट्स स्वराज एंड कॉल्ड इट स्वराज। उन्होंने वो विश्वास रखते थे एक सच्ची जीत में, एक सच्ची आज़ादी में, जिनको उन्होंने नाम दिया स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, अपना राज्य। तो द वर्ड यूजुअली रिफर्स टू गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, सिंस इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाई ब्रिटेन। गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेटेड इंडिया डिस्कार्डिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्रिटिकल लीगल मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था उसका इस्तेमाल इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, किसके अगेंस्ट? फॉरेन डोमिनेशन यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उन्हें उनसे आज़ादी चाहिए थी। और ये एक सोशल यानी सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम था जो कि जिसने जो ब्रिटिश सरकार है उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ब्यूरोक्रेटिकल लीगल मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सब के अगेंस्ट जो है इस सब को डिस्कार्ड किया था, इनके अगेंस्ट गया था। एडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो स्वराज का लागू करने का यह मकसद था कि जो असली ताकत है, जो पूरी ताकत है, वो किसके हाथों में रहनी चाहिए? लोगों के हाथों में। तो ये थोड़ा सा यहीं तक का मैंने आपको समझा दिया, और ये उन्होंने अपने थोड़े से विचार रखे थे इसी के ऊपर, तो इसको हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। तो आप देख लीजिए, गांधी जी जा रहे हैं कुछ और लोगों के साथ। आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रेड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट अ लेटर टू MLA ऑफ योर एरिया एक्सप्लेनिंग व्हाट समाज मीन्स टू यू एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तो हमें इसके जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे, और नेल्सन मंडेला जो आपका एक चैप्टर है आपकी बुक में, उसको पढ़ने के बाद, उन दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाने के बाद, आपको अपने एरिया के MLA को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा, किस बात पे आपको बात करनी है। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि आपके लिए स्वराज का मतलब क्या है एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीजन। तो अब चलिए मैं आपको पहले एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ लेटर राइटिंग का। तो आपकी स्क्रीन पे ये लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखिए लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट। तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद आती है डेट। पहले आपको सेंडर्स एड्रेस मतलब आपको जो आप हैं, क्योंकि आप किसी को एड्रेस मतलब आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा सेंडर्स एड्रेस। फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद आता है डेट। डेट डालने के बाद कैसे डालनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद एक डेट छोड़नी होती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन। तो फिर आपको जो रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हैं, जिसको मिलने वाला है पत्र, उसका एड्रेस डालना होता है, और उसकी डेजिग्नेशन मतलब उसका पद क्या है वो भी डालना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट आप क्यों लिख रहे हैं, एक लाइन में मतलब 4-5 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद सैल्यूटेशन मतलब जो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे सैल्यूटेशन से देखिए इसमें सैल्यूट छिपा हुआ है, तो हम उनको कैसे सैल्यूट कर सकते हैं? जैसे सैल्यूट करते हैं तो हम ऐसे रेस्पेक्टेड सर, तो ये सब लगाते हैं, उसे सैल्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बॉडी। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ते हैं, फिर सैल्यूटेशन के बाद कॉमा डाल के फिर हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ आता है बॉडी। तो बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें लिखना होता है अपना इंट्रो, कि हम कौन हैं और हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, पर्पस लिखना होता है लेटर का। सेकंड पैराग्राफ में हमें उसी मैटर को या पर्पस को
डिटेल में समझाना होता है, और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन मतलब पूरा सार देना होता है, मतलब आपको करवाना मतलब आप क्या चाहते हैं और इसका सलूशन। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप ML को ही पत्र लिख रहे हैं लेकिन किसी और विषय पे, जैसे कि ये हमारे जो बरसात के बाद हमारे जो गलियों में वो पानी जमा हो गया है और वो निकल नहीं रहा है, तो आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि मैं एक इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश के बाद बहुत ज़्यादा पानी का जमाव हो गया और वो निकल नहीं रहा है, तो अपने इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको मैटर को डिटेल में समझाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो फिर आपको मैटर को बहुत डिटेल में समझाना होगा कि इससे क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, जो लोग हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, पानी के जमाव की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं, बदबू आ रही है, वो सब आपको मैटर इन डिटेल मतलब मैटर को पूरा डिटेल में बताना है क्या क्या दिक्कत है। और इसके बाद कॉन्क्लूज़न या सॉल्यूशन, मतलब कि आपको फिर बताना होगा कि इसका कॉन्क्लूज़न मतलब फिर आप लास्ट में क्या चाहते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी अधिकारी मतलब सफाई कर्मचारी को भेज कर उसको साफ़ सफाई कराई जाए, तो आप उसमें ये कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी किसी कर्मचारी को भेज कर और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। उसके बाद आती है हमारी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में फिर हम कहते हैं एक लाइन छोड़ के थैंक यू, आई होप डैट, कि मतलब आपको जल्द से जल्द हम ये कर्मचारी भेजेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद थैंकिंग यू या फिर थैंक यू भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, ठीक है, उसके बाद अपना नाम आता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप मैं कोई भी ऐसी एड्रेस ले लेता हूँ, तो 335 राजपुर खुर्द न्यू दिल्ली 110068, तो ये है सेंडर्स का एड्रेस। सेंडर्स का एड्रेस ध्यान रखिए कि दो या तीन लाइन से ज़्यादा ना हो, तीन लाइन तक तो ठीक है, तीन लाइन से ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, जैसे डॉट डॉट जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वहाँ पे एक आपको लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको डेट डालनी है, तो जैसे आज 10 अक्टूबर डेट है तो हमें डालेंगे 10th October 2020। तो हमें डेट डालने से पहले वहाँ पे इंग्लिश में डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें डेट डालना है, या फिर हम लिख सकते हैं October 10th 2020। मैं बोलूँगा कि 10th October 2020 लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन आप वैसे नहीं लिख सकते कि 10 फिर आपने 8 लिख के फिर आपने 2020 लिख दिया, या ऐसे करके लिखेंगे तो आपको मार्क्स कट सकते हैं। तो डेट के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है, मतलब उसका पद क्या है वो, क्या मतलब जैसे प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ पे हमें MLA के बारे में दिया है तो हम पहले डालेंगे द MLA, फिर MLA ऑफिस छतरपुर न्यू दिल्ली। तो हमें इन तीनों के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है, तो लाइन यहाँ पे आपको छोड़नी है, ये आपको लाइन छोड़नी है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट एक्सप्लेनिंग वर्ड्स स्वराज मीन टू मी, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसमें ये दिया हुआ है जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि आपको स्वराज आप मतलब आपको ये स्वराज का मतलब क्या है, फिर हम सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड मैम या सर, रेस्पेक्टेड सर या मैम, या आपको पता हो तो सर हैं तो आप सर लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो सर या मैम आप ऐसे डाल सकते हैं। तो एक बात बता दूँ कि मैम की जो स्पेलिंग होती है वो MAM नहीं होती है, मैम की स्पेलिंग MAM नहीं होती, वो होती है MA3 apostrophe फिर AM, या फिर अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप सीधा मैडम लिख दीजिए, मैडम MADAM, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अगली लाइन से कॉलम डाल के, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, आई एम अ स्टूडेंट एंड वांट टू शेयर व्हाट स्वराज मीन्स टू मी। तो हम पहले लिखेंगे आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये हम मतलब उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ मतलब छात्र हूँ, और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि स्वराज का मतलब मेरे लिए क्या है। जैसे कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या देना पड़ता है, बताना पड़ता है वो। उसके बाद एज़ ये हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो हमें वैसे तो हम एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप, और फिर आप अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं जो वो आपको बताएं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। जैसे आप सेकंड पैराग्राफ की जो लाइन स्टार्ट कर रहे हैं नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करिए, बस स्टार्टिंग की लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पे, फिर लिखिए एज अ स्टूडेंट स्वराज मींस
that I am free to choose any school for my studies, to ask queries from teachers, to express my views in front of others, and to have student, to have good friends, to have, यहाँ पे मैं good friends लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे होगा to have good friends etc. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसके मत करिएगा, सिर्फ रोक के अगर आप लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी. देखिए यहाँ पे होगा टू हैव गुड फ्रेंड, टू हैव फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह पे फ्रेंड्स लिख सकते हैं आप. तो एक स्टूडेंट के तौर पे स्वराज का मतलब मेरे लिए है कि मैं फ्री हूँ, मतलब इस चीज़ को मेरा मतलब मैं आज़ाद हूँ किसी भी स्कूल को चुनने के लिए जिसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपने शिक्षकों से अपने प्रश्न पूछने के लिए आज़ाद हूँ मैं, और अपने जो विचार हैं मैं वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ जैसे कि क्लास में. और उसके बाद मेरे को वो भी अधिकार है कि मैं अपने फ्रेंड्स को चुन सकता हूँ एट्सेट्रा. उसके बाद एक सिटीज़न के तौर पे, एक निवासी, भारत के निवासी के रूप में, आई हैव राइट्स, फ्रीडम्स, इक्वलिटी इन माय ओन चॉइस टू मेक एंड आई कैन यूज़ दीज. तो आपके पास एक सिटीज़न के तौर पे राइट्स हैं, कुछ हक हैं, कुछ आज़ादी है, फ्रीडम और इक्वलिटी है, और आपके पास अपना चॉइस है कि आप जो करना चाहते हैं आपकी अपनी राय है, ठीक है, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं. नो वन कैन टेक दीज थिंग्स फ्रॉम यू, और आपको आपसे ये कोई चीज़ नहीं ले सकता है, ठीक है. उसके बाद फिर ये थर्ड पैराग्राफ, थोड़ी सी लाइन छोड़नी है, फिर स्वराज का मतलब आपके लिए क्या है. फिर स्वराज मीन्स द रूल ऑफ सेल्फ, स्वराज का मतलब खुद का रूल, अपना राज. इट कैन बी अ पर्सन, कम्युनिटी और कंट्री. तो जो मतलब अपना राज, तो अपना राज किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए भी, और किसी कंट्री के लिए. फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, फिर हमें कम्प्लीमेंट्री, जो हमने पहले आपको बताया था कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो उसमें लिखना है आई होप डेट यू वुड हैव अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड हो गया यहाँ पे, अंडरस्टैंड स्वराज फॉर मी एज अ स्टूडेंट एंड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्वराज का मतलब मेरे लिए एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीजन क्या है. उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको थैंक यू लिखना है. थैंक यू के बाद नीचे वाली ही लाइन में योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक. और एक बात का ध्यान रखना कि योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आती है, सीधा YOURS, इसमें कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं आता, और ये स्पेलिंग है, आप लिख सकते हैं, और उसके नीचे अपना नाम, और अगर आपको कोई पोजीशन भी दे रखी हो तो आप उसके नीचे डाल सकते हैं. और जो इस, तो यहीं पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है. और अगर आपको इस फॉर्मेट को चेक करना है तो आप वो, मैं आपको एक लिंक दूंगा, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते, चेक कर सकते हैं कि CBSE के द्वारा जो नया अपडेटेड लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो यही है. मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकेंगे. और अगर आप चाहें तो आप सर्च करके भी गूगल पे चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट सिलेबस अपडेट बाय CBSE, लेटर फॉर्मेट अपडेटेड बाय CBSE. तो आपको जागरण जोश, जो कि एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, यूज़फुल हुई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.